हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे से ये टेस्टी कुकीज। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लूँगी। लूँगी एक बड़ा बाउल जिसमें डालूँगी मैं 1.5 कप आटा। इसे छान लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सूजी, ये अच्छे से रोस्ट की हुई सूजी है, 2 चम्मच कोको पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, 1 और आधा चम्मच सफ़ेद चीनी पिसी हुई, 1 और आधा चम्मच ब्राउन शुगर, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, लूंगी लेमन जेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इलायची और ये नारियल है जिसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच नारियल लिया है और यहाँ पे काजू लिए हैं मैंने। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। और ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक और बाउल ले लूँगी जिसमें मैं डालूँगी 50 ग्राम बटर और विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि मुझे क्रीमी कंसिस्टेंसी मिल जाए। यहाँ पे बटर मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, और इसे भी इसके साथ में अच्छे से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रीमी बन गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। और डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन सबको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दूध और इसे अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं हाथों की मदद से इसे अच्छे से नीट कर लूंगी। डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और ये डो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें से एक छोटा सा बाउल बनाऊंगी और इसे कुकीज़ का शेप दे दूंगी। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसे मोटा भी बना सकते हैं या पतला भी, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी कुकीज़ रेडी कर लूंगी। अब मैं लूंगी पैन और उस पर ग्रीस कर लूंगी ऑयल और कुकीज़ को रख दूंगी। यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और इसके ऊपर मैं रख दूंगी कुकीज़ का पैन और इसे स्टील के बर्तन से ढक दूंगी। यहाँ पे मैंने शीशे का ढक्कन नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि उससे पानी निकलता है ज़्यादा। इसे 10 मिनट के लिए मैं पहले पका लूँगी और 10 मिनट बाद मैं इसको पलट के दूसरी तरफ पका लूँगी। दूसरी तरफ मैं 10 से लेकर 15 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे कुक करूँगी। पंद्रह मिनट बाद आप देख सकते हैं कुकीज़ जो है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। ये कुकीज़ बहुत ही आसान है बनाने में और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कुकीज़ को टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर क्रीम डाल दिया है, थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है और ये हमारी टेस्टी कुकीज़ रेडी हो गई है। तो
कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थम्स अप बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने का। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।